तो बहुत लोग मुझे ये पूछ रहे थे कि भाई जो नेक्स्ट फिल्म आ रही है शाहरुख खान की, वो कौन सी फिल्म होगी। बिकॉज़ क्या है कि अभी सिचुएशन ऐसा हो गया कि टाइगर वर्सेस पठान को थोड़ा सा एक्सटेंडेड किया जाएगा, मतलब या फिर शेल्व्ड किया जाएगा, या फिर मे बी आ सकती है 2024 में। बिकॉज उसका उसके बारे में मेरे को अपडेट मिला था लास्ट ईयर फरवरी के टाइम पे कि मार्च में इसका क्या है कि मार्च में नहीं, हाँ मार्च में इसका जो है पोस्ट प्री प्रोडक्शन का काम सब चालू हो जाएगा। तो अभी क्या है कि रिजल्ट्स कुछ ऐसे टाइगर थ्री के में भी उसके बाद ऐसा है कि कुछ सिचुएशन उल्टा पुल्टा हो सकता है। स्पाई यूनिवर्स, ये टाइगर थ्री का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये स्पाई यूनिवर्स को मैं ये बोलूँगा कि मतलब जो भी है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनका है, तो दे शुड हैव बीन, मतलब उनको पूरा का पूरा रेडी होना चाहिए था कंटेंट के लिए। बिकॉज वो लोग अपने पुराने कंटेंट से जो पिछली फिल्म आई उससे बड़ी फिल्म, उससे बड़ी फिल्म, उससे बड़ी फिल्म ही बना रहे हैं वो लोग। तो अदर देन दैट वो सब चीज़ चलो साइड करो। नेक्स्ट ईयर शाहरुख खान की 2024 में एक फिल्म आ रही है किंग, दैट इज़ विथ सुहाना खान। एंड वो मूवी के बारे में भाई कुछ डिटेल है तो बताओ, क्या है, फुल फ्लेज रोल है, क्या है, एक्शन फिल्म है। तो सबसे पहली चीज़ मैंने पूछा है कुछ बंदों से, दैट मूवी इज़ एक्चुअली कि अपन उसको कंसिडर नहीं कर सकते एज अ फुल फ्लेज फिल्म ऑफ शाहरुख खान, नो डाउट। वो बंदा जितना भी रोल उसमें करेगा वो इम्पैक्टफुल होगा, दैट इज़ एक्सटेंडेड कैमियो लाइक तारे ज़मीन पर और सीक्रेट सुपरस्टार। बट राइट नाउ क्या है कि वो मूवी पूरा का पूरा एक्शन बेस्ड है, लेकिन उस बंदे का रोल उसमें कोई फुल फ्लेज रोल नहीं है, कोई भी ज़्यादा 40 मिनट से ऊपर, 50 मिनट से ऊपर ऐसा कुछ भी रोल नहीं है। एक्सटेंडेड कैमियो बोलने से कट्स 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 के साथ पूरी मूवी में वो लोग सेट कर देते, जैसे कि वो रॉकेटरी मूवी थी एंड एक्सटेंडेड कैमियो में और आ जाता है अपना, एक्सटेंडेड कैमियो नहीं मतलब एक पार्शियल रोल काइंड ऑफ रोल बोलते हैं, जैसे कि सीक्रेट सुपरस्टार में आमिर खान का तारे ज़मीन पर भी मे बी आई गेस इंटरवल के बाद ही आता है वो बंदा। तो वैसा काइंड ऑफ पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, दैट वी आर नाउ वन टू सजेस्ट हिम कि वो फिल्म करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बट क्या है कि अगर कंटेंट है, अंडररेटेड काइंड ऑफ स्टोरी है, ज़बरदस्त उसमें क्या है कि ज़बरदस्त उसमें मोमेंटम फिल्म के अंदर क्या है कि फिल्म को पूरा का पूरा स्क्रिप्ट ही चलाता है, भले उसमें स्टार छोटा हो या स्टार बड़ा हो, नो डाउट अगर स्क्रिप्ट नहीं है तो पूरा का पूरा फिल्म डंप होने वाला है, नो डाउट। कुछ भी कर लो ये होगा ही होगा। तो फिल्म का पूरा सबसे बड़ा हीरो उसका स्क्रिप्ट और उसका स्टोरी होता है। तो अगर उस फिल्म में उस फिल्म के अंदर दम है भाई, उस फिल्म को एक एक्शन ऑक्टेन एक्शन फिल्म बनाने का मतलब वो लोग प्लान कर रहे हैं एंड स्टोरीज लाइक थ्रिलर काइंड ऑफ स्टोरी है, अगर भाई वो बराबर मार्क कर गई तो अपने को क्या फ़ायदा है कि शाहरुख खान अपने को एक वो अवतार में भी दिखेगा कि थ्रिलर फिल्म्स होते हैं ना, थ्रिलर फिल्म्स, थ्रिल फिल्म्स लाइक काइंड ऑफ वेब सीरीज, डार्क फिल्म्स, तो वो फिल्म्स के लिए भी अपने को क्या है कि शाहरुख खान इन फ्यूचर रेडी होते हुए नज़र आएंगे कि ये फिल्म्स के लिए भी डायरेक्टर उनको मतलब क्या है कि सजेस्ट करेंगे कि ये स्क्रिप्ट वो कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। बिकॉज ऐसी फिल्म में मतलब जो सुहाना खान के साथ जो फिल्म है द किंग, वो फिल्म में आप ऑलरेडी वो रोल प्ले कर चुके हो और वो चीज़ भाई इन फ्यूचर बहुत मतलब आने वाले 25 या 26 27 के अंदर में अपन लोगों को क्या है कि एक ऐसी फिल्म भी देखने को मिलेगी जिसमें फुल ऑन फुल डार्क रोल है, डार्क फिल्म ही पूरा डार्क है, डार्क रोल है। लाइक अभी देखो एनिमल उठाकर देख लो कि क्या ट्रेलर बनाया भाई, मेरा रिव्यू नहीं देखा हो तो जाकर देख लो क्या ट्रेलर बनाया, मतलब फाड़ा कर रख दिया ट्रेलर, बवंडर था वो ट्रेलर, बवंडर ट्रेलर। तो ऐसे काइंड ऑफ हार्श डार्क काइंड ऑफ फिल्म्स, क्योंकि शाहरुख खान अभी क्या है कि रोमांटिक जोन तो ख़त्म हो गया उनका, वो पूरा का पूरा छोड़ गया है वो, और सही काम किया, परफेक्ट काम किया वो वर्जन से। और मैंने यही था मेरा डर कि पठान और जवान में रोमांटिक चीज़ें ज़्यादा ना हो, बस वही मेरा डर था। वो पूरा का पूरा उखाड़ कर वो पूरा सेक्शन ही हटा कर फेंक दिया शाहरुख खान ने। तो अभी वो बंदा सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक्शन, फिर एक्शन के साथ अभी वो बंदा एक कंटेंट के साथ अभी अपन वो बंदे से एक्सपेक्ट कर सकते कि डार्क मूवीज़, थ्रिलर मूवीज़ और सम काइंड ऑफ रॉ एक्शन फिल्म लाइक असुरन धनुष की मूवी है, ये सब जो एकदम रॉ एक्शन काइंड ऑफ फिल्म है वो अपन क्या है कि अगर लोकेश कनगराज या मे बी वेट्रीमरन, मे बी मैं मोस्टली मोस्ट प्रोबेबली मैं ये बोलता हूँ कि वेट्रीमरन के साथ शाहरुख खान की फिल्म बनती है तो दैट विल बी द अनदर डिफरेंट वर्ल्ड शाहरुख खान, जो अपन ने कभी सोचा नहीं होगा, उस बंदे को कभी अपन लोगों ने ऐसा देखा भी नहीं होगा। अगर वेट्रीमरन साउथ का डायरेक्टर है, अगर उस बंदे के साथ अगर बनती है तो, और इन द मीन टाइम ऑलरेडी अटली जो है वो काम कर रहे हैं फॉर तलापति विजयन, शाहरुख खान सिंगल फिल्म फुल फ्लेज रोल फिल्म,
और मेरे को ऐसा लगता है कि 2025 में अगर टाइगर वर्सेस पठान शेल्ड हो जाती है, अगर नहीं आती है, तो इन केस क्या है कि वो जगह पे कोई एक नया डायरेक्टर आने वाला भाई, नो डाउट। ये फराह खान, ये रोहित शेट्टी, ये सब पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ फर्जी रूमर्स है, फर्जी चीज़ें। तो 2025 में अपन लोगों को, 24 में ये फिल्म है, 25 में अपन लोगों को जो फिल्म देखने को मिलेगी वो मोस्ट प्रोबेबली कोई नए डायरेक्टर के साथ होगा, और वो 25 के एंड में अपन लोगों को देखने को मिलेगी, अगर टाइगर वर्सेस पठान नहीं आ रही है तो ही। तो वीडियो से लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते अपने अगले वीडियो से, तब तक के लिए।